जय श्री कृष्णा दोस्तों, ना रेस्टोरेंट स्टाइल ना ढाबा स्टाइल, शुद्ध देसी गांव के तरीके से आज मैं आपके सामने अरहर दाल की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप बिना तड़का बघार के खाएंगे ना तो भी स्वादिष्ट लगेगी। जिसके लिए आप अरहर दाल ले लीजिए। यहाँ पे मैंने एक कटोरी अरहर दाल ली है, उसे आप अच्छे तरीके से धो लीजिए और उसके पानी को छान दीजिए। दाल को हमें भिगो कर नहीं रखना है। अब कुकर में हमें घी लेना है, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है। आप चाहे तो इस दाल को पतीले में भी बना सकते हैं। अब हमने दाल में से पूरा पानी निकाल दिया था, दाल को हमें कुकर में डाल देना है। दोस्तों, दाल को हमें अब भूनना है। दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक इनमें से सोधी सोधी खुशबू ना आने लगे और ये एकदम ड्राई हो जाएगी भूनने के बाद और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, पहले के टाइम में गांव में जो अरहर दाल होती है ना, खड़ी अरहर दाल, उसे पहले भून लिया जाता था, उसके बाद उसको दरवाया जाता था, मतलब उसके दाल बनाई जाती थी। लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे वो प्रथा लुप्त हो रही है और जब यह भुनी हुई दाल बनती थी ना तो उसका स्वाद अलग ही होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल हमारी भुन चुकी है, एकदम ड्राई हो गई है, इनमें से बढ़िया तरह से खुशबू भी आ रही है, एकदम सोंधी सोंधी। अब हमें इसमें पानी डालना है। आपको दाल को कितना पतला या गाढ़ा रखना है आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए। जब तक दाल में उबाल आ रहा है हम एक और ख़ास इंग्रेडिएंट की तैयारी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तड़का पैन में मैंने 1/2 चम्मच घी लिया है, आप चाहे तो तेल भी ले लीजिए। अब यहाँ पे मैंने उड़द दाल की बरी ली है। ये बरियाँ बहुत टेस्टी होती हैं, इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। अब बरी को हमें घी में भून लेना है। बस कुछ ही सेकंड में ये भून जाती हैं। इन्हें पलटते हुए भून लीजिए, दोनों साइड से इनका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमें भूनना है। बरी हमारी भून चुकी है। अब यहाँ पर हमारी दाल में भी उबाल आने लगा है, दाल में जो झाग बन रहा है इसे आप निकाल दीजिए और बरी को दाल में डाल दीजिए। दोस्तों, अब एक और ख़ास इंग्रेडिएंट है, इसे हम अमकरिया बोलते हैं। आम को धूप में सुखा लिया जाता है और ये अमकरिया बनाई जाती है, इसी से अमचूर पाउडर भी बनता है। इसको पीस कर हल्दी डालेंगे, साथ ही हमें नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है। दोस्तों, ये जो अमकरिया होती है ना, इससे दाल में बढ़िया सा खटास आती है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। अब हमें ढक्कन लगाकर कम से कम 4 से 5 सीटी लेनी है मीडियम फ्लेम में। आमतौर पर तुअर की दाल 3 सीटी में बन जाती है, लेकिन हमने दाल को भूना है ना, इसलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ही सीटी लेंगे। एक्स्ट्रा प्रेशर निकालने के बाद कुकर के ढक्कन को ओपन करिए। दाल अच्छी तरह से पक चुकी है और बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है, और हमने इसमें जो बरी डाली थी ना वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खाइए घी डालकर, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें कुछ भी करने की, तड़का बघार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप तड़के वाली दाल पसंद करते हैं तो मैं इसमें आपको एक ख़ास तड़का बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हमने दाल में जो अमकरिया डाली थी उसे चाहे तो आप निकाल दीजिए, लेकिन आप खट्टी दाल पसंद करते हैं तो रहने दीजिए। तड़का लगाने के लिए तड़के पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, लगभग 1 चम्मच। घी जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे राई। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच राई ली है, साथ ही जीरा डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच जीरा लिया है। हरी मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो इसकी जगह लाल मिर्च ले लीजिए। कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे, यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हींग ली है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही धनिया डालूँगी। आप इस तरह से धनिए को तड़के में डालकर दाल बनाइए, बहुत ही टेस्टी होती है, इसका अलग ही फ्लेवर आता है। तड़के को दाल में डाल देना है। दाल हमारी बनकर तैयार है। थोड़ा सा तड़का हमारे तड़का पैन में भी रह जाता है, तो आप इसमें दाल डाल दीजिए, फिर उसे वापस से इसमें पलट दीजिए। तो लीजिए, हमारी शुद्ध देसी गांव के तरीके से अरहर तुअर की दाल बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी होती है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।